भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में आज T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला है। इस महामुकाबले के अंदर बारिश की संभावनाएं हैं, तो आप सभी को बता दें कि हाल ही में 3 बजे तक बारिश रुक चुकी है, यानी कि इससे आने वाले 2 घंटे पहले 1 बजे बारिश देखने को मिली थी मैदान के ऊपर, लेकिन 2 घंटे से बारिश थमी हुई है। बादल भी छटने लगे हैं, धूप हल्की भी निकलती हुई नजर आएगी, और इसी के साथ साथ मैच के अंदर 51% तक बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो आखिरकार ये बारिश की संभावनाओं के बीच में ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो मैच को प्रभावित कर सकते हैं, डकवर्थ लुईस से लेकर के आखिरकार कितने ओवर जो है 10 ओवर का अगर मैच खेला गया तो फिर कौन कौन से नियम लागू होंगे, क्या इसके लिए रिजर्व डे जो रखा गया है उस तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी संभावनाएं हैं, इन सभी की तमाम जानकारियां सीधा एक ही रिपोर्ट में दिखाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल आज रात 8 बजे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच बारबाडोस के ब्रिज टाउन में खेला जाएगा। फाइनल मैच के दौरान टाइम 1:30 PM और भारत का 11 PM बारिश की सबसे ज़्यादा 51% संभावना है, यानी कि एक दिन पहले ब्रिज टाउन में जमकर के बरसात हुई है। अभी बारबाडोस में 2 बज रहे हैं यानी कि सुबह के 2, बारिश रुक चुकी है और बादल भी छटने लगे। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि टॉस के बाद भी मैच वक्त पर ना शुरू हो पाए। अगर बारिश के चलते हुए मैच नहीं हो पाता तो रिजर्व डे यानी 30 जून को इसी स्टेडियम में फिर से खेला जाएगा। बारबाडोस में अभी 3 AM हो रहा है। एवेन्यू वेदर के मुताबिक बात करें तो बारिश 2 घंटे से रुकी हुई है और बादल भी छटने लगे हैं। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। फाइनल मैच के लिए 190 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी है। T20 मैच 3 घंटे 10 मिनट में खत्म होता है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम जोड़ करके ये समय 6 घंटे 20 मिनट हो जाएगा, यानी 8 बजे से लेकर के अगले दिन तड़के 3 बजे तक इस दौरान DLS नियम लागू हो सकता है। फाइनल के ओवर भी घटाए जा सकते हैं, स्कोर रिवाइज भी हो सकता है। अगर दोनों टीमें कम से कम 10-10 ओवर खेलेंगी तो DLS से फाइनल का विजेता घोषित भी किया जा सकता है। तो इस मैच के अंदर कई तरह की संभावना है और रात 2 बजे तक भारत के अंदर रोमांच बना रहेगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।